नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। फरुखाबाद के कंपिल में विवादित बाबा वीरेंद्र देव का आश्रम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बाबा वीरेंद्र देव आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल से आई महिला पर्यटक की मौत हो गई है। जिला अस्पताल की मोर्चरी में महिला पर्यटक का शव रखा है। ईएमओ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने घटना की जानकारी जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को दी है। नेपाल के जिला सिंधुपाल चौक के ग्राम पांच पोखरी निवासी सोमा, जिसकी उम्र करीब 65 साल बताई जा रही है, चार दिन पहले आश्रम आई थी। आश्रम के सेवादार विनय यादव ने बताया कि रविवार की देर शाम महिला की हालत बिगड़ी तो आनन फानन में आश्रम के कर्मी महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में ईएमओ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल कर्मियों ने विदेशी महिला पर्यटक के शव को मॉर्चरी में रखवा कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पर्यटक आश्रम में माउंट आबू से सत्संग के लिए आई थी। 15 तारीख को उनकी तबियत बिगड़ी और डायबिटीज पेशेंट होने के कारण उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें कायमगंज CHC में दाखिल किया गया, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने देखने के बाद महिला पर्यटक को मृत घोषित कर दिया। SP ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक महिला के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। श्रीमती सोमा सापकोटा, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है और जो जिला सिंधु पाल्यो नेपाल की रहने वाली थी, उनकी दिनांक 15/1/2023 को जब उनके साथी उन्हें फरुखाबाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शाम को करीब 7 बजे लेकर आए, तब चेक करने के उपरांत डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके संबंध में जो जांच की गई उसमें तथ्य सामने आए हैं कि दिनांक 9 जनवरी को ये माउंट आबू से कंपिल में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कंपिल में सत्संग के लिए आए थे और ये पहले से ही शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज थे और दिनांक 15/1/2023 को सुबह इनकी तबीयत ख़राब हुई, तब साथियों ने लोकल डॉक्टर्स को बुला के इन्हें दिखाया और बाद में इनकी तबीयत बिगड़ने पर इन्हें ये CP अस्पताल कायमगंज में लेके गए और वहाँ से इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने हेतु हिदायत दी गई। सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया में जब ये लेके आए, वहाँ पर चेक के उपरांत डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इसमें इनके जो घर वाले हैं उनको सूचित कर दिया गया है, साथ ही साथ जो पंचनामा की कार्रवाई है वो की जा चुकी है और जो वीडियो PM की कार्रवाई है वो पैनल से वीडियोग्राफी के द्वारा करवाई जा रही है और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। स्ट्रीट बस के लिए फरुखाबाद से रविनंदन की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।